छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे की दौड़ यहां पर चल रही है और इस बीच छत्तीसगढ़ से पर्यवेक्षक चुने गए अर्जुन मुंडा रायपुर पहुंच चुके हैं और अब रायपुर पहुंचकर यहां पर बड़ी बैठक भी यहां पर जारी है और विधायक दलों की बैठक के बाद यहां पर नाम फाइनल किया जाएगा कि आखिर किसको यहां पर छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा जाएगा, यानी किसे यहां पर सीएम के रूप में देखा जा सकता है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री नाम को लेकर सवाल के जवाब में छत्तीसगढ़ के भाजपा पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा अभी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में तय होगा कि किसका चेहरा यहां पर सामने आएगा और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन मुंडा ही यहां पर है जो यहां पर फैसला करते हुए नजर आएंगे कि आखिर कौन यहां पर विधायक दल का नेता बनेगा और किसके सर पर मुख्यमंत्री का जो सेहरा है वो बंधेगा। और लगातार यहां पर एमएलओ से बात करने के लिए रायपुर वो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें अब तक 53 विधायक पहुंच चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इंतजार है। मुमकिन है कि जब रमन सिंह वहां पहुंचेंगे तो बैठक दल की जो मीटिंग है वो शुरू हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पर्यवेक्षक अपने साथ 2-3 नाम लेकर आए हैं जिन पर विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। विधायक दल की बैठक के बाद एक एक विधायक से भी चर्चा की जाएगी और उनकी राय आला नेतृत्व के सामने रखी जाएगी। आपको बता दें मध्य प्रदेश के नाम का फैसला लेने से पहले बीजेपी में विचार मंथन का दौर तेज है। इसी बीच नरेंद्र सिंह तोमर शाम 4 बजे तक भोपाल पहुंच सकते हैं, यानी यहां पर सीएम की रेस में कई सारे नाम यहां पर शामिल हैं, जिसमें देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम नजर आता है। यहां पर रमन सिंह है, यहां पर रेणुका सिंह है और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए लगातार आगे आ रहे हैं और वो देखना होगा कि आज शाम तक किसका नाम यहां पर फाइनल है, क्योंकि उम्मीद है कि यहां पर आज शाम तक यहां पर नाम फाइनल हो जाएगा और छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा।